देश और विदेश में झींगा मछली का कारोबार बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो बीते 8 साल में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। ऐसे में झींगा पालन से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन झींगा पालन के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इस बारे में बता रहे हैं पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर कर्मजीत सिंह। देखिए सर, ऐसा है कि जो हर जमीन होती है या हर तरह का पानी होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि मछली पले। अगर हम श्रिम्प की बात करते हैं, हम उसी ज़मीन को लेते हैं, पहले फार्मर को ये कहते हैं कि भाई अपने अंडरग्राउंड जो पानी है अवेलेबल, आपका ज़मीनी पानी को इसको चेक करवाइए, आप हमारी लेबोरेटरी में लेके आइए, यूनिवर्सिटी में आइए, तो वहाँ आप चेक करवाइए। जिनकी सैलिनिटी, पानी की सैलिनिटी अगर 5 PPT से ऊपर है, तो उसी मतलब एरिया को हम कहते हैं कि भाई दिस इज़ फिट फॉर योर श्रिम्प कल्चर। उसमें ऐसा नहीं है कि अकेली आपकी सैलिनिटी होती है, उसमें बहुत सारे लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया आपके, बहुत सारे पोटाशियम हो गया, क्योंकि श्रिम्प के लिए पोटाशियम एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कमी रहेगी तो हम एडिशनली उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश उसमें डलवा सकते हैं बाद में। तो उसके बाद जैसे उसका पानी चेक की रिपोर्ट आ जाती है, हमें लगता है कि इसकी 5 PPT से ऊपर आ गई, और दूसरे जो इसमें सॉल्ट्स होते हैं वो भी चेक करते हैं, तो उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई अब तो ट्रेनिंग कर ले हमारे पास। तो ट्रेनिंग के बाद कोई भी हमारा किसान भाई हमारे पास आके ट्रेनिंग ले सकता है, अपना काम स्टार्ट कर सकता है। श्रिम की आपने बात की और जिस तरह की उसके लैंड की बात की, ये कितनी ज़मीन होगी पंजाब में और किन एरियाज में ये ज़मीन है? ज़मीन की तो सर जैसे मैंने पहले बताया कि 6 जिले जो हमारे पहले बोले हैं मैंने, उन्हीं में ही कर सकते हैं। जैसे हमारे पूरे सारे पंजाब का पानी जो खारा नहीं है, तो बाकी जो ज़िले हैं हमारे, तो उसमें तो पानी फ्रेश वाटर है, उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। अगर उसमें भी जो साल्ट अफेक्टेड एरिया है हमारा, हाई सैलिनिटी है जहाँ पे, उसमें आप दूसरी मछलियाँ भी पाल सकते हैं, क्षारीय पानी की जो होती हैं उसमें वो कर सकते हैं आप। श्रिम की अगर बात करें तो उसका बाज़ार कैसा है? सर बाज़ार तो देखो, ये कमोडिटी ऐसी है, पिछले साल जो श्रिम्प का जो रेट था इंटरनेशनल मार्केट पे, बहुत इसके रेट्स कम मिले हैं एक्सपोर्ट की वजह से, क्योंकि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी भी प्रोडक्शन बन गई, बढ़ गई है, लेकिन हमारे थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाया, उसी की वजह से थोड़े रेट्स कम आ गए। पर ऐसा नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि चलो जी ठीक है, एक्सपोर्ट होता था, अब इसको डोमेस्टिक लेवल पे भी आप इसकी मार्केटिंग कीजिए, आप लोगों की जो खाने की जो रुचियां हैं, आप देखिए कि पंजाबी लोग तो खाते हैं, जो अगर उनको बताया जाए कि इसके बेनिफिट ये हैं, तो मेरे ख्याल ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खा रहे हैं। पहले क्या था, इसका रुझान कम था, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा लोकली डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो हम मैं स्कोप देखता हूँ बहुत ज्यादा है। खेती किसानी की ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ।